Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Harrison Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School Harith Dispar class 10 subject science and my today's topic is power of lens. तो आज हम बात करेंगे power of lens के हवाले से. ये तकरीबन last topic है इस unit का, ठीक है ना. तो इंशाल्लाह तकरीबन ये unit अभी complete हो जाएगा. तो अगर कुछ रह गया तो वह इंशाल्लाह हम कल complete करेंगे, ठीक है ना. तो power of lens जो है इसको हम define करते हैं. It is the measure of degree of convergence or divergence of light rays falling on it. तो क्या है पावर ऑफ लेंस? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. जो ये पावर ऑफ लेंस है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 1/f. यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो हम लेते हैं इन मीटर. वो हम किस में लेते हैं? मीटर में. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? डायोप्टर, ठीक है ना. वो है डायोप्टर. तो अगर हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की तो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. तो पी भी होगा पॉजिटिव, पावर ऑफ लेंस भी होगा पॉजिटिव. अगर हम बात करेंगे कनकेव लेंस की तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो इसमें जो पी होगा वो भी नेगेटिव होगा, दैट इज पावर ऑफ लेंस. तो हम पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं एक लेंस का बाय यूजिंग दिस फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना. तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डायोप्टर में. उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? डायोप्टर में. अगर हम लेंगे ये क्वेश्चन कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसमें फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर और डिटरमाइन इट्स पावर. इसका पावर हमें मेजर करना है, डिटरमाइन पी, दैट्स पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना. तो हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू 1/f. अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है, हमें कन्वर्ट करना होता है इसको किसमें? मीटर में. तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है ना. तो 1 सेंटीमीटर होगा किसके? 1/100 ऑफ मीटर के बराबर, ठीक है ना. सो 1/f, तो हम ऐसे लिखेंगे 1/f, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइड बाई 1. तो मैं लूंगा 1/10 इंटू 100/1, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 10 डायोप्टर, ठीक है ना. तो पावर ऑफ इस लेंस का पावर क्या है? अब 10 डी है, 10 डायोप्टर है, लेकिन हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन, इंडिकेट होता है दिस इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस. अगर नेगेटिव साइन होगा तो दैट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक पावर ऑफ लेंस एंड हाउ वी कैन मेजर द पावर ऑफ लेंस. तो इसको हम मेजर करते हैं कैसे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला पी इज इक्वल टू 1/f. तो हमें चाहिए फोकल लेंथ. अगर हमें फोकल लेंथ मालूम है तो वी कैन डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक पावर ऑफ लेंस एंड विद दिस टॉपिक दिस यूनिट लाइट वुड गेट कंप्लीटेड एंड इंशाल्लाह वी हैव फिनिश्ड दिस यूनिट. सो वी आर गोइंग टू टेक इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक.